हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट कुकिंग बाय भावना। आज मैं भावना आपको सिखाऊंगी जन्माष्टमी स्पेशल मोहन थाल, दानेदार मोहन थाल। थोड़ा सा मैं आपको जमाकर भी दिखाऊंगी, बाकी मैंने दानेदार बनाया है। ये देखिए, जन्माष्टमी का त्यौहार बिना मोहन थाल के अधूरा होता है। ये देखिए कितना हमारा एकदम दानेदार, एकदम सिका हुआ डिलीशियस हमारा प्रसाद मोहन थाल रेडी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक परात में लिया है, मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट बताऊंगी। एक ही बार में आपका मोहन थाल बहुत अच्छा बनेगा। ये जो हमारे मेजरिंग कप्स होते हैं, ये वाले मैंने 4 कप लिया है बेसन, 4 कप बेसन। इसके बाद मैंने लिया है 1/3, ये देखिए आप देख सकते हैं 1/3 मैंने लिया है गरम घी, देसी घी है। इसे मैं मिक्स करूंगी, घी गरम है, थोड़ा ध्यान से। एक ही बार में आपने बहुत सी वीडियोस देखी होगी, बट आप ट्राई करते हैं तो कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि जो ये मैंने बेसन लिया है, ये मैंने मोटा बेसन लिया है। अगर आपके घर में, आप कोशिश करें मोटा बेसन लेने की ही, इसी से मोहन थाल बहुत अच्छा बनता है। 1% आपके घर में मोटा बेसन नहीं है तो आप क्या कीजिए, 1 कप बेसन में से 1 टेबल स्पून बेसन निकाल लीजिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये मैंने लिया 1 कप बेसन, इसमें से 1 टेबल स्पून बेसन निकाल लीजिए और उसकी जगह सूजी डाल दीजिए। इसी तरीके से आप 1-1 कप मेजर करके आप अपना बेसन, नॉर्मल जो बेसन होता है, आप वो ले सकते हैं। इसमें मैंने डाला है 1/3 देसी घी। अगर आपको कम लगे, ये देखिए वैसे ये मोहन परफेक्ट है क्योंकि ये मुट्ठी बंद रही है, बट मोहन थाल में जो होता है मेन मोहन का ही खेल होता है। मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी और 1/3 मैंने घी लेने के बाद मैं लूंगी 1/6। ये हमारा 1/3 हमारा घी था, इसी का आधा मैंने लिया है दूध, 1/6, 1/3 का आधा मैंने लिया है दूध। अब मैं इसे मिक्स करूंगी। हमें इस बेसन को दानेदार बनाना है, क्रम्बल बनाना है, जैसे हम कुकीज बनाते हैं उस टाइप से। हमें इसे ऐसे मिक्स करके हमें इस बेसन को और दानेदार बनाना है। ये देखिए, सिर्फ एक यही प्रोसेस होता है, बाकी तो सब इजी होता है। आप मोहन ज्यादा ही रखें, कम ना रखें। अगर आपको लग रहा है कम है तो आप थोड़ा सा और ले लीजिए, उससे आपका अच्छा ही बनेगा। घी अगर थोड़ा सा ज्यादा भी हो गया तो आपका मोहन थाल अच्छा ही बनेगा उससे। जितने भी आपको ये जो गठले दिख रहे हैं, ये देखिए, ये हमें रिमूव करने हैं इस तरीके से। आप इस स्टेज पे चाहे तो आप बेसन को छान भी सकते हैं। मैं अभी थोड़ी देर में इस बेसन को छानूंगी भी। हमें इवन बेसन चाहिए। ये देखिए हमारी मुट्ठी बंद रही है, ये परफेक्ट है। इस स्टेज पे मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। अब मैं डायरेक्ट लूंगी कढ़ाई, एक रखूंगी छन्नी और इस बेसन को मैं इस छन्नी में डाल के इसमें छान लूंगी। मैं सारा बेसन इसके अंदर छान लूंगी ताकि नीचे हमारे पास दानेदार बेसन इकट्ठा हो जाए। ये देखिए आप देख सकते हैं, मोहन थाल या लड्डू बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है कि आप जो भी बर्तन यूज करें थोड़ा बड़ा साइज का करें, ताकि उसको चलाने में आपको इजी रहे। ये देखिए सारे हमारे गठले इस तरीके से निकल जाएंगे और नीचे हमारा इवनली बेसन आ रहा है। ये देखिए हमें इसी तरीके का बेसन चाहिए। ये मैं सारा रेडी करके आपको बताती हूँ। इस तरीके से हम सारा छान लेंगे। ये देखिए मैंने सारा का सारा 4 कप जो बेसन था वो मैंने इस तरीके से छान के रख लिया। अब इसके अंदर जाएगा 2 कप घी। जितना हमारा बेसन था उसका आधा मैं लूंगी घी, 1 कप डाला। अब मैं डालूंगी 2 कप। अब मैं इसे गैस पे चढ़ा दूंगी और हम इसे भूनेंगे। ये देखिए मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। मैं आपको रिपीट करती हूँ, मैंने डाला 4 कप बेसन और मैंने लास्ट में इसमें डाला 2 कप घी।
और मोहन के लिए मैंने लिया था 1/3 कप घी। ये देखिए, ये जब हम इसकी चाशनी बना के जब हम इसे, अब हमें इसको भूनना है। जब लास्ट में इसको चाशनी में डालेंगे तो ये अभी जब हम भूनेंगे तो इसमें घी सारा ऊपर आ जाएगा, बट जब हम चाशनी में इसको डालेंगे तो सारा घी वो अब्सॉर्ब कर लेगी। ये देखिए कितने स्मूदली से ये हमारा भून रहा है। आपको तेज गैस पे नहीं भूनना है, आपको मीडियम गैस पे भूनना है। मैं रिपीट करती हूँ, मैंने लिया 4 कप बेसन, 2 कप घी, मोहन के लिए मैंने लिया 1/3 कप घी और 2 टेबलस्पून मिल्क। अब मैं चीनी लेंगे, सिंपल सा फंडा है, जितना आपका बेसन है उसका आधा आपको चीनी लेना है और जितना आपको चीनी लेना है उतना आपको पानी लेना है। बहुत सिंपल है, जितना बेसन उसका आधा घी और आधी चीनी, और पानी हम उतना लेंगे जितनी चीनी उतना पानी। बहुत सिंपल है, आपको रेसिपी इंग्रेडिएंट्स यूं ही लर्न हो जाएंगे, आपको कहीं लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। बस अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से चलाते हुए हम इसे पकाएंगे जब तक कि अच्छे से भुन नहीं जाता। अब एक दूसरा बर्तन लेंगे जिसमें मैं डालूंगी 2 कप चीनी और 2 कप पानी, 1 कप पानी और 2 कप पानी। अब गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और इसे हम चाशनी पकाएंगे। 1 तार की हमें चाशनी बनानी है। ये देखिए मीडियम फ्लेम पर हमें इसे पकाना है। एकदम बेसन की खुशबू चारों तरफ फैल रही है, बहुत अच्छे से हमें इसे भूनना है। देखिए देखिए चाशनी भी हमारी पक रही है और एक साइड हमारा बेसन भी भून, देखिए कितना हल्का हो गया है, ये भूनते भूनते कितना हल्का हो गया। अब हमें इसका थोड़ा कलर चेंज करना है। मोहन थाल का जो कलर होता है थोड़ा डार्क कलर होता है, इसलिए इसका हमें कलर चेंज करने तक इसे हमें भूनना है। चाशनी हो रही है अभी, टाइम है इसको, और इधर हमारा मोहन थाल, ये देखिए। मुझे टोटल आधा घंटा लगा इसको, ये ऑलमोस्ट डन है, बस मैं चाशनी होने का वेट कर रही हूँ। मोहन थाल हमारा ऑलमोस्ट डन है, बेसन हमारा डन है, बस मैं वेट कर रही हूँ चाशनी हमारी अच्छे से हो जाए। हमें कैसे पता चलेगा कि चाशनी हो गई है? मैंने ये करछी इसमें डिप करी, ये देखिए मैं इसको छूँगी, ये देखिए अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पानी पानी सा है, मुझे पानी पानी लग रहा है। जब ये हमारी डन हो जाएगी तो मेरे हाथ इसमें चिपकने लग जाएंगे। ये देखिए चाशनी अब हमारी हो चुकी है, आप इसे छू के देखेंगे तो आपके हाथों में चिपकेगी और ये 1 तार की चाशनी बन चुकी है। इधर हमारा बेसन भी प्रॉपर रेडी है, अब हमें क्या करना है? छींटे आएंगे। अब मैं ये जो चाशनी है ये मैं इस बेसन के अंदर सारी डाल दूंगी। बी केयरफुल, इसमें बहुत छींटे आएंगे, आपको धीरे धीरे करके आराम आराम से डालनी है। ये देखिए चाशनी डालते ही आपका बेसन एकदम फूल जाएगा, ये देखिए इसमें बबल्स आ रहे हैं, बहुत ध्यान से आपको ये काम करना है। सारी की सारी चाशनी इसके अंदर जाएगी, कंटिन्यूसली आपको चलाना है। सारी चाशनी इसके अंदर गई, मुझे कंटिन्यूसली चलाना है। इसे स्टेज पर मैं इस पर डालूंगी थोड़ी सी केसर और थोड़ा सा इलायची पाउडर,
इलायची पाउडर मैं पीस कर रखती हूँ हमेशा, और इसी स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी थोड़े से बादाम। मैं इसे चलाऊंगी, इस टाइम पे मैं गैस की फ्लेम तेज रखूंगी। मुझे इसे 3 से 4 मिनट तक पकाना है, ज्यादा नहीं, नहीं तो हमारा मोहन थाल अच्छा नहीं जमेगा, वो टाइट हो जाएगा। कई बार क्या होता है हमारा मोहन थाल सूख जाता है, वो इसी वजह से सूखता है कि चाशनी डालने के बाद आप उसको ज्यादा पका देते हैं। अब इस टाइम पे इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जाएगा, वो जाएगा दूध। इस टाइम पे मैं इसके अंदर डालूंगी 1/4 कप मिल्क, सिर्फ 1/4 कप मिल्क। मिल्क डालते ही आपका जो मोहन थाल है वो कभी नहीं सूखेगा। आप इसे 15 दिन रखिए, आपका मोहन थाल नहीं सूखेगा। ये सीक्रेट टिप है जो मैंने आपको बताया है। ये देखिए इस तरीके से है, इसको सेट होने में टाइम लगता है, 6 से 7 घंटे लगते हैं मोहन थाल को अपनी शेप में आने में। ये हमारा देखिए कढ़ाई छूट रही है, इसका मतलब हमारे परफेक्टली कुक हो चुका है। मैं गैस की फ्लेम बंद कर दूंगी। अब एक साइड में मैंने ये बेकिंग ट्रे मेरी ग्रीस करके रखी हुई है, मोहन थाल मेरा ज्यादा है, मैं 2 जगह इसे जमाऊंगी। ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ, जितना मेरे इस ट्रे में आएगा उतना मैं इसमें जमाऊंगी, जितना मेरे दूसरे ट्रे में आएगा मैं उतना जमाऊंगी। ये मैं सारा इसके अंदर शिफ्ट कर दूंगी। कढ़ाई मेरी बड़ी है इसलिए मैं उठा नहीं पा रही उसको। आप कलर देखिए, आप टेक्सचर देखिए मोहन थाल का। ये देखिए मैंने इसे ट्रे में सेट कर दिया। आप चाहे तो इसके ऊपर चांदी की वर्क भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे जन्माष्टमी के लिए बना रही हूँ इसीलिए मैं इसमें चांदी की वर्क नहीं लगाऊंगी। मैंने इसमें बादाम डाला पिसा हुआ, इसे 6 से 7 घंटे मैं इसे छोड़ दूंगी अपनी शेप आने के लिए। ये देखिए इसको जस्ट मैं टैप करूंगी और ये बादाम हमारा सेट हो जाएगा। लीजिए आपका दानेदार मोहन थाल रेडी।